हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ नानी के लड्डू। वैसे तो ये आटे के लड्डू है, पर मेरे बच्चे इस लड्डू को नानी के लड्डू के नाम से जानते हैं क्योंकि ये स्पेशली उनकी नानी बनाती है। तो आज की जो रेसिपी है वो आया है नानी के किचन से, और इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने उनकी नानी को आज सोने नहीं दिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ कढ़ाई में सबसे पहले मैं डालूँगी 250 ग्राम काजू, 250 ग्राम बादाम और 125 ग्राम पिस्ता है। और कढ़ाई गर्म होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम लो कर दी है, और उसके बाद इसको मैं 1 से 2 मिनट थोड़ा भून लूँगी। इसमें आप गैस की फ्लेम थोड़ी मीडियम कर सकते हैं, और आप इसको चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, और चाहे तो इसको इस तरीके से सूखा भी फ्राई कर सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको भूनते हुए। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और फैन के नीचे हम इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए, और उसके बाद इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है 40 ग्राम खसखस, और बहुत ही धीमी आंच पे इसको भी मैं 1 मिनट भून लूँगी। ये बहुत ही जल्दी भून जाते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा ना भूने। इसको भी मैं अब एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। 40 ग्राम मैंने यहाँ लिया है सफ़ेद तिल, इसको भी हम धीमी आंच पे भून लेंगे। तो यहाँ 2 मिनट में तिल भी भून चुके हैं, और इनका कलर वाइट से हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसको भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। लास्ट ये सूखा इंग्रेडिएंट जो हमें भूनना है वो है 50 ग्राम नारियल। आप यहाँ पे जो बूरा आता है नारियल का उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और जो खोपरा है उसको भी कद्दूकस करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट इसको भी लो फ्लेम पे भून लूँगी। हर चीज़ अच्छे से भुनी हुई होती है तो हम इस लड्डू को बहुत ज़्यादा महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैं एक एक इंग्रेडिएंट जो है वो अलग अलग अच्छे से फ्राई कर रही हूँ सूखा। तो यह नारियल भी भून चुका है, इसको भी अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। अब नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ मैंने 1 लीटर का पैकेट लिया है पूरा, और उसमें से मैंने इसमें डाला होगा 250 ग्राम घी। और घी हमें इतना डालना है कि ये जो हमारी गोंद है ये हमारी डीप फ्राई हो सके धीमी आंच पे। तो पहले मैं घी को अच्छे से गरम कर लेती हूँ, उसके बाद गैस की फ्लेम हम करेंगे कम, और फिर हम इसको धीमी आंच पे इस गोंद को सेकेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये गोंद का पैकेट आता है, ट्रांसपेरेंट ये गोंद है, आपको किसी भी राशन की दुकान पर मिल जाएगा। यहाँ घी हमारा गर्म हो चुका है, तो यहाँ गैस की फ्लेम मैं करूँगी लो, और इसमें हम डालेंगे हमारी गोंद, और धीमी आंच पे हमें इसको भूनना है। तो यहाँ पे गोंद हमारे पॉपकॉर्न जैसे फूट के थोड़े साइज में बड़े हो गए हैं, और इनका कलर भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। यहाँ मैं 200 ग्राम गोंद यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने पहले ये 100 ग्राम यूज़ किया है। इस 100 ग्राम को मैं निकाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं वापस इसमें दूसरे 100 ग्राम गोंद है उसको फ्राई करूँगी। गोंद को हमेशा धीरे धीरे करके डालें, एक साथ ना डालें वरना ये आपस में चिपक जाते हैं। खैर भूनते भूनते वो फिर अपना अलग हो जाते हैं, पर हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डालें।
और अब इसी कढ़ाई में मैं और एक्स्ट्रा तेल नहीं डालूंगी, इसमें हम आटा हम भून लेंगे हमारा। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो आटा और इसको हमें धीमी आंच पे ही भूनना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, पर मैं इसको पहले सूखा ही भून रही हूँ। तो एक तरफ से बर्तन हमेशा पकड़ लें क्योंकि ये बड़ी कढ़ाई है, और अच्छे से नीचे से इसको मिक्स करते हुए धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है। इसको भूनने में कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा लग सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे लगभग 40 मिनट लग चुके थे आटे के भूनने में, और इसको मैंने भून के यहाँ परात में अभी निकाला है, और आटा गरम गरम है। इसमें मैं मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा गुड़, ये पाउडर गुड़ है पतंजलि वाला, साथ ही इसमें मैं डालूंगी 15 से 20 कुटी हुई इलायची। यहाँ पे मैंने तिल, खसखस और नारियल जो भुने थे इनको मैं ऐसे ही डाल दूंगी, इनको हमें पीसना नहीं था। और उसके बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स थे काजू बादाम और पिस्ता, उसको मैंने दरदरा पीस लिया था, ये सब मैं इसमें मिक्स करूंगी। और अब इसमें मैं डालूंगी चीनी का पाउडर। तो यहाँ मैंने गुड़ भी यूज़ किया है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत सारा चीनी यूज़ नहीं करूँगी। ये आधा किलो चीनी होगी, ये आधा किलो चीनी का पाउडर, और इसको अब हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं घी मिलाऊंगी। आटा अभी गर्म ही है काफी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने 1 लीटर का जो दूध का पैकेट लिया, सॉरी घी का जो पैकेट लिया था, जिसमें से थोड़े में हमने गोंद तले थे, उसी का बचा हुआ घी अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और घी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएं। यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है, इसलिए मैं दोनों हाथों का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें गोंद डालना भूल गई, जहाँ जो गोंद भी हमने भुने थे उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था, तो इसमें हम मिलाएंगे गोंद, और अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा पूरा 1 लीटर घी लग चुका है, इसको भूनने से लेके और इसमें मिक्स करने तक। हमें घी इसमें इतनी क्वांटिटी में मिक्स करना है कि हम अगर इस तरीके से अगर ये लड्डू बांधें तो वो लड्डू अच्छे से शेप ले ले, ये देखिए, और बिल्कुल भी टूटे ना। हमें बहुत कम घी भी नहीं मिलाना है ताकि इसका शेप भी ना बने, और बहुत ज़्यादा भी घी नहीं मिलाना है कि इसका शेप ही बिगड़ जाए। तो इस तरीके से आप अपने छोटे बड़े किसी भी साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। दोनों हाथों से अच्छे से इस तरीके से दबा दबा के हम सारे लड्डू बना लेंगे, और ये महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों तक, 1 महीने 2 महीने नहीं, आप उससे ज़्यादा भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे और बहुत ही हेल्दी है ये। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है ये। इसलिए मौसम भी शुरू हो ही गया है अक्टूबर का, तो अक्टूबर से फरवरी तक आपको ये लड्डू तो ज़रूर खाने चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ये नानी के लड्डू ज़रूर बनाएं, और इसको एक बार ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।